हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में पहले बीम भरना चाहिए या स्लैब के साथ भरें ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ही चलता होगा जब आप अपना घर बनाते हैं या फिर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट हैं तो बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूजन में हैं कि पहले क्या करें सीधा हम वीडियो में चलेंगे हर एक चीज़ समझेंगे इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया देरी क्यों नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा दें देखिए यहाँ पर ये पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है फ्रेम स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है कि बीम और स्लैब दोनों की जब कास्ट करने की बारी आती है जब हम कास्ट करने की सोचते हैं तब क्या होता है कि आपने एक चीज़ नोटिस किए होंगे या देखे होंगे कि अगर आप गांव में जो हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर गांव के घर बनाते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि पहले कॉलम के बाद दीवार बनाकर दीवारों के ऊपर पूरी बीम बना देते हैं और उसके बाद फिर हम जैसे ये बीम बन गई इसके बाद हम स्लैब की कास्टिंग करेंगे जो कि तरीका गलत है अगर आप पूरा बीम का कास्ट कर देते हो उसके बाद स्लैब करते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ स्लैब आपकी इस कंडीशन में रखाएगी ऊपर यानी कि छत आप सिर्फ ऊपर रख दे रहे हैं अगर कोई जैग लगाए तो उड़ जाएगी इसके लिए क्या ज़रूरी है इसके लिए ज़रूरी हाँ हालांकि एक चीज़ और सही है कि कॉलम भी फंसे हुए होते हैं बट तरीका सही नहीं बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बीम जो है वो पूरी कास्ट कर देते हैं लेकिन लगभग दो से तीन इंच ऊपर सरिया छोड़ देते हैं जो कि कॉलम में फंसे हुए होते हैं और उसको पकाते हैं पहले यानी पानी की क्यूरिंग करते हैं तराई करते हैं उसको पक जाने देते हैं यानी सेट हो जाने देते हैं और उसके बाद फिर जो बीम के ऊपर के सरिया है उनमें स्लैब के सरिया फंसाकर और फिर आगे का वर्क करते हैं अब क्या ये तरीका सही है मेरे हिसाब से ये तरीका भी गलत है ऐसे भी नहीं करना चाहिए यानी कि आप डायरेक्ट आप पूरा स्लैब कास्ट करने के पहले बीम भर दे रहे हैं और उसके बाद स्लैब का सरिया जहाँ पर बीम में स्लैब का सरिया नहीं फंसेगा ये तरीका भी गलत है साथ ही साथ आपका जो दूसरा तरीका था कुछ सरिया ऊपर छोड़ देना और उसके बाद कास्ट करना ये भी गलत है क्या करें सबसे सही तरीका जैसे कि यह सरिया आपका बीम का पूरा पहले बंध चुका है इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको स्लैब का भी पूरा रेनफोर्समेंट सरिया बिछा लेना है इनका जितना भी बाइंड होगा जितना भी इनमें ऐड होगा फंसेगा पूरा सब कुछ कर लेना है अब इसके बाद क्या करेंगे आप जब कास्टिंग कर रहे हैं तो सबसे सही तरीका ये है आपका कि आप सबसे पहले बीम भरें जितना पोर्शन आपका लगभग तीन घंटे तक हो जाए लगभग इतना आप पोर्शन में पहले बीम कास्ट कर लें और दो से तीन इंच छोड़ दें उसके बाद आप उतनी जगह का स्लैब करें क्योंकि अगर आप स्लैब के साथ करोगे तो फिर उसमें यह दिक्कत आएगी कि आपका वाइब्रेटर प्रॉपर नहीं लग पाएगा हनी कॉम्बिंग आएगी तो आप यहाँ पर क्या करें पहले बीम दो तीन इंच छोड़ दें फिर स्लैब का जो सरिया रहेगा वो स्लैब के सरिया के साथ जो बाकी है वो भर दें आप और बाकी बचा हुआ फिर इसके बाद पूरा भर लें तो जिससे स्लैब आपका अच्छा बन जाएगा वीडियो में अगर कहीं डाउट है तो कमेंट्स करें थैंक यू